नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार रोल प्ले के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 12 चिड़िया का दाना लिया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार रोल प्ले का उपयोग यह पाठ चिड़िया का दाना समझने के लिए करते हैं। रोल प्ले नवाचार में विद्यार्थी रंगमंच के माध्यम से और अभिनय के माध्यम से ही पाठ की समझ विकसित कर लेते हैं और हर विद्यार्थी रंगमंच और अभिनय के प्रति आकर्षित होता है और यही दो इस नवाचार की मुख्य नवीनता या मुख्य विशेषता है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होता है बल्कि बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, अच्छी संप्रेषण कला, अनुशासन, धैर्यता, वाक कला, बोलने की अच्छी कला, सृजनात्मक लेखन, ये सारे गुणों में धीरे धीरे विकास होने लगता है बच्चों का। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाना होता है, जो शिक्षक हैं वो पक्षियों की रूप में ऐसे हाथ फैलाते हुए हवा में इस प्रकार से कक्षा में प्रवेश करते हैं और फिर बच्चों से पूछते हैं कि मैं किसकी एक्टिंग कर रहा था, किसका अभिनय कर रहा था। फिर बच्चे बताते हैं कि आप पक्षियों का अभिनय कर रहे थे। फिर शिक्षक बोलते हैं कितने प्रकार के पक्षी होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उड़ सकती हैं या हवा में उड़ती हैं। फिर इस प्रकार से वो डेवलप करते हैं। इस क्रम में पक्षियों के नाम, पेशों के नाम, क्रिया, विश्लेषण, संज्ञा, ये सारी चीज़ों, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ये सारी चीज़ों धीरे 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 बच्चों को सिखला दी जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के समय फिर सभी बच्चों को, जैसे शिक्षक अभिनय करते हैं और सभी बच्चों को अभिनय करने के लिए बोला जाता है, जिसमें ये कहानी में, चींटी कहानी में जो किरदार हैं, चींटी, हाथी, बढ़ई, सिपाही, राजा, मंत्री, इस प्रकार से बच्चों को सिलेक्ट करके किसी को चींटी का अभिनय करने को बोला जाता है, किसी को राजा का अभिनय करने को बोला जाता है, किसी को मंत्री का, किसी को बढ़ई का, इस प्रकार किसी को हाथी का। और फिर बच्चों को उसी प्रकार से संवाद और पाठ की समझाइश दी जा चुकी होती है। ये नवाचार बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। हमें उम्मीद है कि नवाचार आपको पसंद आया होगा और इस नवाचार का क्रियान्वयन आप भी अपनी कक्षा में जरूर करेंगे। उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं कि जैसे आपको शब्दार्थ समझाना हो तो बंदोबस्त, इंतजाम, इस प्रकार से समानार्थी शब्द होते हैं इस पे। या फिर प्रश्न के रूप में ये होता है कि चिड़िया क्या कर रही थी या चिड़िया क्या लाई थी, चिड़िया एक मटर का दाना लाई थी। मंत्री क्या काम कर रहे थे, मंत्री राजा का स्वागत का काम कर रहे थे। तो इस प्रकार के उदाहरण से भी बच्चों को समझाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे और आपको इस नवाचार के क्रियान्वयन से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में और वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।